हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। तो देखो यार, मैंने आपको सिर्फ थोड़े एक दो मिनट का वेट करने के लिए बोला था, बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वीडियो तो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि ब्रेक भी ले चुके हैं तो और वीडियो और लंबी खींच जाती, तो मैंने इसे काट लिया और ये उसे अलग वीडियो और इसे अलग लेक्चर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको हो सकता है कि अलग से मैंने अपलोड किया हो, बट अभी करूँगा या नहीं करूँगा मुझे आइडिया नहीं है, बट हो सके तो मैं इसे काट ही लूँगा, इसके दूसरे वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर में अभी हमने बात करा था चाय से पहले कि कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है, उसमें जो रेगुलेट्स करती है मार्केट रेगुलेट्स करता है, और अगर हम स्टेट फोकस होगा तो वहाँ पर टारगेट इकोनॉमी फोकस्ड होती है। मिक्स के अंदर दोनों का थोड़ा थोड़ा जो फीचर्स होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था इंडिया के अंदर जो MSP सिस्टम है, ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे लेजी फेयर के बारे में सुना है आपने, स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। कम ऑन, लेजी फेयर सेकेंड टर्म है, कमांड, कमांड इकोनॉमी, राइट। अच्छा, लेसी फेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट बीच में वो मतलब इंटरफेरेंस ना करना। ठीक है, इसको ऐसे बोलो, नॉन नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कमांड इकोनॉमी की क्या होती है? कमांड इकोनॉमी होती है स्टेट इकोनॉमी, मतलब कम्युनिस्ट। ओके, चलिए यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हुए, कीन्स और लेंच, है ना। जो कीन्स थे इनका पूरा नाम था जॉन कीन्स और ऑस्कर लेंच, है ना। सो इन दोनों का नाम याद रखना, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं। कैसे ये बताता हूँ मैं। ओके, ये दोनों क्या करते थे? इन दोनों का अपना अपना एक परसेप्शन था अपने अपने देश के लिए। ठीक है, अब ये जो थे ये मानते थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, मिक्स्ड इकॉनमी होनी चाहिए, ये एडवोकेट करते थे कि मिक्स इकॉनमी होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ ये बोलते थे कि ये जो मिक्स इकॉनमी होनी चाहिए ना, ये जो मैं कैपिटलिज्म होती है, जो US में कैपिटलिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब इसमें जो इन्होंने पर्सपेक्टिव बताया, एक एग्जैक्ट वर्ड ये करेक्ट रहेगा, जो पर्सपेक्टिव था उनका था वो कैपिटलिस्ट ट्रैकर ही, पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव इनका कैपिटलिज्म ही था। ये कहते थे ठीक है, मानो कि जो प्राइवेट कंट्रीब्यूशन है वो तो रहे, ठीक है, वो तो रहे, मान लो कि वो 70% हो, तो कम से कम जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना वो 30% के करीब तो होना चाहिए, राइट? इतना तो रहना चाहिए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, राइट? और सेम यहीं पर ऑस्कर लेंच क्या बोलते थे, ये भी मिक्स इकोनॉमी को मानते थे। ये भी मिक्स इकोनॉमी को मानते थे और ये बात करते थे, इनका जो पर्सपेक्टिव था वो था कमांड इकोनॉमी, या फिर बोले कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इकोनॉमी था, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले थे ये। ये कहते थे ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है माना 70%, बट कम से कम थोड़ा बहुत प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए बॉस, एटलीस्ट 30% प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, तब देश की तरक्की ज़्यादा अच्छी होगी, राइट? तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो जॉन स्केनिंस ने बोला था ना, तो वो भी मिक्स इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, और तो जो यहाँ पर ऑस्कर लेंज बात कर रहे हैं वो भी मिक्स इकोनॉमी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों के पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, बट कोई भी कोई एक एक्सट्रीम एंड में नहीं रहना चाहता है, राइट? क्योंकि किसी भी एक एक्सट्रीम एंड में रहकर किसी भी देश का भला नहीं हो सकता है, राइट? या तो गवर्नमेंट ही उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करे, या तो प्राइवेट सेक्टर ही पूरे तरीके से कंट्रोल करे। इससे कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए मिक्स इकोनॉमी जो भारत ने अपनाया है वो बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, रेड पेन ले लेता हूँ, ट्रांजेक्शन ऑफ इकोनॉमी टू, आपको पता है यूएसए ने आगे जाके कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे देश हो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करे, राइट? सो इसी पे ये हेडिंग है कि ये जो ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ था ना, ये कैसे बूम हुआ था, राइट? इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, राइट? ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है आपने। इसके लिए सबसे पहले मेन रीजन था वॉशिंगटन कंसेंसस, ओके, वॉशिंगटन कंसेंसिस। ये था क्या वॉशिंगटन कंसेंसिस? कुछ नहीं था, ये पेपर से आपसे पूछेंगे नहीं, पर कई बार अगर ऐसे इंटरव्यू में फेस ऑफ होता है या फिर मेंस में लिखने के लिए अगर आपको कुछ स्टफ चाहिए हो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ये एक्चुअली सेट ऑफ 10 इकोनॉमी पॉलिसीज थी, सेट ऑफ 10 इकोनॉमी पॉलिसीज थी, ठीक है? 10 ऐसी पॉलिसीज थी, 10 कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिससे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, राइट? या फिर बढ़ाया जा सकता है।
बेसिकली ये सारी क्या थी, ये सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी। ये सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी। अब ये जो सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, ये किसको फॉलो करना था भाई? उन देशों को जो किसी भी प्रकार से रैक्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हो, ठीक है, ओनली फॉर रैक्ट कंट्री या फिर कंट्रीज, ठीक है। ये सेटअप रूल उनको बनाया था जो डेवलप, जिनकी जिस देश में जो अर्थव्यवस्था थी इतनी डेवलप नहीं थी, उन देशों में बहुत बुरा हाल था, राइट। तो ऐसे लोगों को ये सारे चीज़ें फॉलो करनी थी, राइट। तो आपको पता है कि ये ऑलमोस्ट 90s का टाइम था, है ना, ये 90s का टाइम था। और इसी वक्त इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया था, और जो लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर वाला था ना, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बंद कर दिया था इंडिया ने। और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर में इन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, ओके। जिसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने आए, बट इंडिया ने उसे ओवरकम किया और आज के टाइम पे देखो कहाँ पर स्टैंड करती है, राइट। ओके, जब इन्फ्लेशन 90s के टाइम पे बहुत बूम हो रही थी ना, जब इंडिया ने एलपीजी लाया, राइट, वाइल इन्फ्लेशन वॉज बूमिंग, ठीक है, जब इन्फ्लेशन बहुत बूम हो रही थी उस वक्त में वॉशिंगटन डीसी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से थे याद हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस वगैरह, IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, राइट, याद है ना ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा US ट्रेजरी डेवलपिंग यूएस ट्रेजरी डेवलपिंग डिपार्टमेंट, ओके। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए, और इनका जो मेन फोकस था, फोकस क्या था, इन्होंने अपना फोकस सेटअप रखा था कि इकोनॉमी को बहुत स्टेबलाइज करनी है, स्टेबलाइज इंटरनेशनल बोलो या फिर सीधा ही बोल दो मैक्रो इकॉनमी। इनका मेन फोकस था स्टेबलाइज करो मैक्रो इकॉनमी को, ठीक है, और ओपन इकॉनमी को बढ़ाओ, ठीक है, ओपन इकोनॉमी की वजह से क्या होगा,
इसके वजह से होगा कंपटीशन हाई। कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। क्वालिटी इंक्रीज होगी तो क्या हुआ, बेस्ट डील्स मिलेगी किसको, कंज्यूमर्स को, राइट। तो इनका मेन फोकस इस तरीके से चल रहा था। और इसी बीच क्योंकि ये 90s का टाइम था, तो इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। और उन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया था 90s के टाइम पे, LPG रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, रिफॉर्म्स लाए थे जिसके अंदर उन्होंने सेम काम किया था। उन्होंने, इंडिया ने अपनी मार्केट ओपन कर दी थी, ठीक है, बिकॉज इस केस में इंडिया के साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा था। हमको पता है कि इस केस में इंडिया में उस वक्त में और प्रॉब्लम भी चल रही थी, ठीक है, जैसे हमारा खजाना खत्म हो गया था, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, राइट। सो वाई कि हम फोर्स थे मार्केट को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट है, आई एम श्योर कि ये चीज़ें क्लियर हो गई है आपको, ओके। सो यहाँ तक तो कैपिटल इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़े लोग, क्योंकि जिस वक्त में बहुत जैसे गरीबी सी फैल रही थी हर तरफ, तो वॉशिंगटन डीसी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों का गैप है जो लोगों को, जो कंट्रीज़ को गाइड करे, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जनरल ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड हो गया, जिसको आगे जाके हम लोगों ने बोला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इसका भी उन्होंने उस वक्त में सेटअप करा। और इंडिया के अंदर भी कुछ बहुत तगड़े रिफॉर्म्स लिए गए थे, राइट, ओके। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट चैप्टर है स्नैपशॉट ऑफ इंडियन पी। स्नैपशॉट इसलिए मैंने अलग से लिखा ताकि मैं इस टॉपिक के साथ इंटरग्रेट करूं जो हमने पीछे भी पढ़ा है, राइट, जो कि हेल्प करेगा, राइट। इसको समझने के लिए देखो, इंडिया के अंदर तीन सेक्टर्स काम करते हैं, है ना, सर्विस सेक्टर, जिसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 53.89% है, ठीक है, एज पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, राइट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन है 25.29%। एंड थर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अब इसका परसेंटेज इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 20.19, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जा रही है इंडिया के अंदर, राइट। बट इसका एज GVA, ठीक है, एज GVA, जहाँ पर सर्विस सेक्टर का एज GVA के अंदर कंट्रीब्यूशन है,
179.15 लाख बिलियन सॉरी करोड़्स में है, सी आर करोड़्स रुपीस, ओके। और इसका जीवीए कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, अगर इसका याद नहीं आ रहा है तो फुल फॉर्म क्या है, 46.44 लाख करोड़ रुपीस, ये इनका कंट्रीब्यूशन में, राइट। और रेस्ट आता है एग्रीकल्चर का। हाँ, इसके कंट्रीब्यूशन में अभी भी ये बहुत पीछे है, राइट। तो ये जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज है, राइट। बट मैं इसके लिए नहीं, एक अलग पॉइंट समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, राइट। सो वो क्या है, रिलेशनशिप ऑफ जी डी पी एंड पॉपुलेशन डाइवर्जन, ठीक है। ये पॉपुलेशन डाइवर्जन क्या है इसको समझो आप। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं याद रखना। दिस गाइडेड एम्प्लॉयमेंट अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब देखो, हमने देखा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर जो जीवीए है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 पॉइंट, ये थोड़ा बड़ा ऑफकोर्स है, 19%। बट इसके अंदर जो पॉपुलेशन है ना वो 48% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है बॉस, 48% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये पहले 53% से भी ऊपर हुआ करती थी, अब ये कम हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, राइट। अब ये नहीं है, अब बदल के इतना हो गया, बट स्टिल 40% लोग जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 90%, 19%, राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब मान लो यहाँ पर एक खेती है, एक ही खेत है, जहाँ पर एक बंदा है वो अगर पूरा एक साल खेती करता है ना, अगर एक साल खेती करता है तो आउटपुट आता है 200 टन्स, 200 टन्स पर ईयर्स, राइट। बट यहां जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहां पर एक इसी खेत के अंदर लगे हैं, एक दो तीन चार लोग। अब ये जो चार लोग सेम खेत के अंदर काम करके 200 टन्स पर ईयर ही निकाल रहे हैं, समझ में आया। अब ये जो लोग है, ये एक तो ठीक है, एक तो इसके साथ एसोसिएट हो सकता है ना, एक तो इसके साथ एसोसिएट हो सकता है, बाकी के ये जो तीन है ना, ये है यहां पर अंडर एम्प्लॉयड या फिर कहे डिसगाइडेड, ओके। ये लोग यहां पर डिसगाइडेड है, राइट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, पर इसको कैसे टैकल किया जाएगा ये
इशू है। नेक्स्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है 25.29%, बट पॉपुलेशन के अंदर इसका 23% है, राइट। तो ऑलमोस्ट ये 50-50% है ना, 50-50%। अब 50-50% क्या है, मान लो ए 20 रुपये कमाता है ना,